बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे से जुड़े एक विवादित नाटक के मंचन को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद छात्रों के दो गुट बन गए और मामला लंका थाने में पहुंच गया। बीएचयू के दो छात्रों ने लंका थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए इसे राष्ट्रपिता का अपमान बताया है। साथ ही बीएचयू कैंपस में आरएसएस की विचारधारा थोपने का आरोप भी लगाया है। बता दें, बीएचयू के कला संकाय में चल रहे वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति 2018 में विवादित मराठी नाटक मी नाथूराम गोडसे बोलतीयो के हिंदी संस्करण में नाथूराम गोडसे बोल रहा हूं का मंचन किया गया। आरोप लगाया गया है कि नाटक मंचन के माध्यम से महात्मा गांधी को गलत बताया गया, जबकि उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को हीरो के तौर पर सामने रखा गया। इससे नाराज होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र ने लंका थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में संघ की विचारधारा को प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उसी के तहत इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान भी किया गया। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर कई बार लोगों के बीच विवाद होता रहता है। कई लोग गोडसे की पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी भी इंसान की पूजा नहीं होनी चाहिए जिसने किसी की हत्या की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।